टाफियां ले लो, खट्टी मीठी टाफियां ले लो, मजेदार टाफियां। एक बार खाओगे रोज आओगे। समयपुर के जंगल में बुलबुल कबूतरी अपने बेटे कालू और बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू के पिता को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया था। बुलबुल कबूतरी तरह तरह की टाफियां बनाकर बाजार में बेचा करती और घर का खर्च चलाती थी। एक दिन कालू खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको ये टाफियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये टाफियां बनाने का तो घर का काम है, इस मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जी, ये कह रहे हैं अब आपकी उम्र हो चली है, ऐसे में इतना ज़्यादा काम करना ठीक नहीं। वैसे भी अब तो इनकी तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? बस आप घर में आराम कीजिए। ठीक है भाई, जब तुम लोगों के यही विचार हैं तो मैं टाफियां बनाना बंद कर देती हूँ। फिर बुलबुल कबूतरी टाफियां बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप उदास रह रही हैं। ऐसा करिए, कुछ दिनों के लिए अपनी बहन गौरी कौवी के यहाँ चली जाइए, इससे आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, वो मैं कल ही चली जाती हूँ गौरी कौवी से मिलने। वैसे भी टाफियाँ तो आजकल बनाती नहीं, घर में दिन भर खाली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन बुलबुल कबूतरी अपनी बहन के घर जाती है। अरे दीदी, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, अभी अभी मैं तुम्हें ही याद कर। वो कैसा चल रहा है तुम्हारा टॉफियां बनाने का काम? क्या बताऊं, बेटे की नौकरी लग गई है, तब से बेटे बहू ने मुझे मना कर दिया टॉफियां बनाने से, अब तो घर में खाली बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुश नसीब हो दीदी, जो तुम्हें ऐसे बहू बेटे मिले, वरना आज की बहू में तो घर में आते ही सास को घर से निकाल के बाहर करती हैं। और सब ठीक है ना दीदी? सब ठीक है, पहले तो समय टाफियां बनाने में कट जाता, लेकिन अब तो पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। तो ऐसा करो दीदी, 2-4 महीने मेरे पास रुक जाओ। इस तरह बुलबुल कबूतरी अपनी बहन गौरी कवि के यहाँ रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया का फोन आता है। माँ जी, गजब हो गया, जल्दी करिए, वापस आइए। क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? जल्दी बता क्या हुआ, मेरा जी घबरा रहा है। माँ जी, इनके ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें इनका भी नाम है, इनकी नौकरी छूट गई। माँ जी, ये बहुत ही घबराए हुए हैं, आप कैसे भी करके जल्दी आइए। बहू, तू चिंता मत कर, तू कालू को संभाल, मैं वापस घर आ रही हूँ। अगले दिन बुलबुल कबूतरी वापस अपने घर लौट आती है। अपने बेटे को दुखी देखकर बुलबुल कबूतरी उससे कहती है, बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अगर तूने घोटाला नहीं किया है तो तेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी, तब तक मैं फिर से टाफियां बनाने का काम शुरू कर देती हूँ, ऐसे घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी आपके साथ टाफियां बनाने के काम में आपका साथ दूंगी। कालू बेटा, ये ले पैसे, बाजार से जाकर चॉकलेट खरीद कर ले आ, मैं उसकी टाफियां बनाती हूँ। कालू बाजार से चॉकलेट खरीद कर लाता है। बुलबुल कबूतरी अपनी बहू टूनी के साथ मिलकर टाफियां बनाती है। टूनी बहू, तुझे पता है पहले इसमें बहुत सारी मज़ेदार चॉकलेट डालते हैं, फिर इसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर और चाशनी मिलाते हैं, इससे टाफियां काफ़ी दिनों तक टिकी रहती हैं। दोनों सास बहू मिलकर ढेरों टाफियां बनाते हैं, फिर उसे बेचने के लिए बाजार में ले जाती हैं। टाफियां ले लो चटपटी, हमसे टाफियां ले लो, खट्टी मीठी टाफियां ले लो, एक बार खाओगे मज़ेदार टाफियां तो रोज़ आओगे। टॉफियों का नाम सुनते ही कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर टॉफियां बेचकर घर का खर्च चलाने लगती हैं और सभी खुशी खुशी रहते हैं।
दूर किसी जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों ने अपने अपने घर दो अलग अलग पेड़ों पर बनाए लिए थे। चिड़िया चिड़िया तुम नदी से पानी पियाओ, तब तक मैं दाना ले आता हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना और मैं आपके लिए पानी ले आऊंगी। फिर चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का मामा अपने भांजे से मिलने आ जाता है। कालू, घर तो बहुत अच्छा बना लिया तुमने, वो साथ वाले पेड़ पर किसका घर है? मामा जी, वो घर चिड़िया का है। हम दोनों ने आज ही अपने अपने घर बनाए हैं। मगर कालू, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है वो पेड़ तो आम का पेड़ है, उस पर मीठे मीठे आम लगेंगे और तुम्हारे पेड़ पर खट्टे लीमू लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा पेड़ तो लीमू का पेड़ है। क्या मामा जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये बेकार लीमू का पेड़ है। वी चिड़िया मान जाएगी, तुम चिड़िया से वो वाला घर ले लो जो आम के पेड़ पर है। फिर कालू का मामा चला जाता है। मैंने तो पानी पी लिया है, अब मैं इस मटके में कालू कौवे के लिए भी पानी ले जाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लो कालू भैया, आप ठंडा ठंडा पानी पी लें। चिड़िया, मुझे तुम्हारे वाला घर ज्यादा पसंद है, तुम मेरा घर रख लो, अपने वाला मुझे दे दो। चिड़िया नहीं जानती थी शातिर कालू चिड़िया से ऐसे क्यों कह रहा है, इसलिए चिड़िया मान जाती है। ठीक है कालू भैया, आप मेरे घर में चले जाएं और मुझे ये घर भी पसंद है, इसी घर में रह लेती हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों पेड़ों पर फूल लगते हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में फल बन जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे के पेड़ पर मीठे मीठे आम और अपने पेड़ पर लीमू देखकर निराश हो जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा भी आम खाने को मन है, आप अपने पेड़ से मुझे भी कुछ आम दे दें। ना जी, मैं अपने पेड़ के आम किसी को नहीं दूंगा, मैं तो अकेला ही ये आम खाऊंगा। अब मैं समझी काले कौवे, तुम कभी भी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुमने ये घर मुझसे क्यों लिया था? अगर तुम मुझे आम नहीं दोगे तो ऊपर वाला मुझे भी किसी न किसी तरह आम खाने को दे ही देगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत दिन हो गए, हरियाली, कोई मीठा फल नहीं खाया, चलो आज कहीं से आम खाते हैं। जंगल के दूसरी ओर कल मैंने एक आम का पेड़ देखा था, चलो वहीं जाते हैं। तोता और तोती वहाँ से उड़ते हैं, वो कौवे के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। खिड़की से कौवा उन्हें देखकर से बाहर आता है। कौवे ने तो हाथ में एक डंडा उठा रखा था। रुको रुको, कौन हो तुम, भागो यहाँ से। कौवे, हम भी इसी जंगल के वासी हैं, आम खाने को मन कर रहा था, इसलिए आए हैं यहाँ। तुम्हारे बाप के नहीं है ये यहाँ पेड़, और ये घर मेरा है, भागो यहाँ से, वरना एक डंडा लगाऊंगा और पंख तोड़ दूंगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? छोड़ो मिठू जी, ऐसे पक्षियों से लड़ाई नहीं करते। तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वो किसान के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी, जब किसान की पत्नी लीमू काट कर उसके रस से सिकंजी बना रही थी। अरे ये क्या, ये लीमू भी किसी काम के हैं? इनका रस तो बहुत खट्टा होता है, मैं अभी जाकर किसान की पत्नी से पूछती हूँ। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आप लीमू के रस से क्या बना रही हैं? चिड़िया, ये लीमू पानी है, गर्मी के मौसम में लीमू पानी पीने से शरीर की गर्मी दूर हो जाती है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, मैं तो इसे बेकार का फल समझती थी। काले कौवे ने मुझसे धोखा किया, मेरा आम का पेड़ मुझसे मुझे लीमू का पेड़ दे दिया। आप ये शक्कर ले जाएं और अपने पेड़ के लीमू तोड़कर इनका रस निकाल कर इनसे लीमू पानी बनाएं, फिर देखना।
वो कौवा नींबू पानी पीने के लिए खुद ही तुम्हें आम देगा। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर ले लेती है और उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। घर जाकर चिड़िया नींबू तोड़कर अपने पेड़ के नीचे स्वादिष्ट नींबू पानी का ठेला लगा लेती है। चिड़िया जी भर के नींबू पानी पीती है। ये नींबू पानी तो बहुत मजेदार है, ये तो आम से भी ज्यादा मजेदार है। दोस्तों रुको, सब नींबू पानी पी लो, आ जाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया एक गिलास नींबू पानी मुझे भी दो। कबूतर और दूसरे पक्षी स्वादिष्ट नींबू पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। कौवा जो सो रहा था पक्षियों का शोर सुनकर उठ जाता है। वो घर से बाहर आता है। अरे ये क्या, ये चिड़िया पक्षियों को क्या पिला रही है? मैं भी जाकर देखता हूँ। चिड़िया ये तुमने नींबू के रस से क्या बनाया है? तुम जाओ और अपने आम खाओ, हम क्यों बताएं तुम्हें ये क्या है। चिड़िया बहन एक गिलास और देना। काले कौवे ये नींबू पानी है, तुमने ये नींबू का पेड़ बेकार समझकर मुझे दिया था, मगर इस जंगल में कोई भी फल बेकार नहीं है। इतने में चाचा चम्मच बहुत सारे आम लेकर आ जाती है। दोस्तों मैं आप सबके लिए आम लाया हूँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास नींबू पानी का दो। चिड़िया चाचा चमचम को एक गिलास नींबू पानी देती है, जिसे पीता हुआ देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था, मगर वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि चिड़िया तो उसे नींबू पानी देने वाली नहीं है। और सब पक्षी हंसने लग जाते हैं।